तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन जानने से पहले एंजाइम कैनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे पिछले बार हमने बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझ पाए, है ना, और ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इन चेंजेस को, जैसे कि चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, तो इस चीज को अपन लोग बोलेंगे कि हम लोग काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। किसकी? एंजाइम की, कि एंजाइम क्या रेस्पॉन्स शो कर रहा है इस रेट ऑफ रिएक्शन में, उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम काइनेटिक्स जो है वो सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? उसके लिए अपन लोग एक ग्राफ पढ़ते हैं जिसको जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके बिना माइकलिस मेंटन इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन से पहले अपन माइकलिस मेंटन इक्वेशन से पहले ग्राफ को समझते हैं, और इसी के अनुसार ही चीजें बनते जाएंगी। तो एंजाइम कैनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं एक साइड एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी को प्लॉट कर रहा हूँ और दूसरे साइड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिया है और वाई एक्सिस में मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ रिएक्शन के रेट के लिए। हम जैसे जैसे इमेजिन करते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। कैसे? कि मान के चलो ये एक कुछ कंटेनर है, ये उसका दूसरा कंटेनर है, अपन टाइम के अनुसार इस कंटेनर के हिसाब काम करेंगे कि मैंने लगभग यहाँ पे 10 एंजाइम्स को डाल दिए, है ना। तो मान के चलो मैं फिलहाल बना तो 4 रहा हूँ, लेकिन मान के चलो ये 10 बन गए। ठीक है, तो सबस्ट्रेट तो बहुत सारे होंगे हमारे पास इस कंटेनर में, है ना। मैंने एंजाइम डाल दिया, मैंने एंजाइम 10 एंजाइम मेरे पास लिमिटेड है। सेम बॉडी सिस्टम के लिए भी होगा, सबस्ट्रेट मैंने इसमें अप्लाई किया, तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इन एंजाइम्स के पास जा जाके जोड़ते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा, अगर कुछ टाइम के बाद देखो देखो ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ते जा रहा है, मैं बोलूंगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। तो इस समय जो रिएक्शन का रेट है वो प्रोपोर्शनल रहेगा शुरुआत समय में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आएगा ना, प्रोपोर्शनल रहेगा इसके, प्रोपोर्शनल रहेगा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक एंजाइम में दूसरा सबस्ट्रेट आया, रिएक्शन आगे फिर बढ़ा, है ना, दूसरा आके जुड़ा, रिएक्शन फिर आगे बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ साथ साथ इंक्रीज होगा। कब? जैसे जैसे रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल रिएक्शन इनिशियल वेलोसिटी सबस्ट्रेट के साथ साथ इंक्रीज होते जा रहा है ना। पर एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरे 10 के 10 एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुके रहेंगे और सबस्ट्रेट तभी भी अवेलेबल रहेंगे, है ना। तो इस समय मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो पाएगा या कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तो भाई ये जो सबस्ट्रेट एंजाइम जो है वो पूरी तरह सैचुरेट हो गए हैं। अगर टेक्निकल टर्म बोलूंगा कि एंजाइम के एक्टिव साइट पूरी तरह सैचुरेट हो चुके हैं सबस्ट्रेट से, तो रिएक्शन अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो रिएक्शन अब आगे नहीं बढ़ सकता, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक फ्लैट वाली स्थिति में जो ग्राफ रहेगा वो फ्लैट हो जाएगा। इससे हम क्या दर्शा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंक्रीज नहीं है। इस वाले पोर्शन की बस बात कर रहा हूँ ना, भले ही आपके पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाए, है ना, तो इस चीज को, इस स्टेज को बोल लो बोलेंगे वी मैक्स। तो रिएक्शन हमारे हमारे जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की ओर कॉन्ट्रीब्यूट
पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि इस समय जो इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल वेलोसिटी है रिएक्शन का, वो सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखो इस वाले कंडीशन को अपन देखते हैं और इस वाले कंडीशन को अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर फर्स्ट कंडीशन में देखा जाए प्रोपोर्शनल है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन अगर अपन देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है सब्सट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, जब वी मैक्स कंडीशन में पहुंचे, ये वाला जो सेकंड स्टेज है, तब ये सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं रेट लॉ लिख दिया और उसके पावर्स को जोड़ते जा रहा हूँ, तो मैं उसको क्रमशः ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर इस कंसंट्रेशन के पावर में 1 है तो मैं क्या बोलूँगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अगर 2 है तो मैं क्या बोलूँगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर थर्ड है तो मैं क्या बोलूँगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर 0 है तो मैं क्या बोलूंगा? 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो इस ग्राफ में अगर देखें तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन जो फॉलो कर रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। पर सेकेंड स्टेज में, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट से इंडिपेंडेंट है, लेकिन पहले में वो डिपेंडेंट था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है और गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रख लेना, है ना। गेट का क्वेश्चन इसर से पक्का आता ही है, पता नहीं क्यों बहुत फेवरेट है, क्योंकि एंजाइम एक मुख्यतः चैप्टर है उसमें। इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये गेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब हमको एक कंक्लूजन मिल गया। क्या मिला? कि एक कंक्लूजन हम लोग को मिल गया कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम अलग होकर के इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। तो हमको क्या चीज मिला? तो फिर से मैं वापस पेंट पे आऊं, तो हम सबसे पहले चीजें क्या समझें कि एंजाइम के साथ सबसे पहले सबस्ट्रेट ने बाइंड किया और क्या बनाया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में और एंजाइम पूरी तरह उस सबस्ट्रेट से अलग। देखो ये वाला जो रिएक्शन है कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना है वो फिर से एंजाइम सब्सट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है और ये फॉरवर्ड होकर के भी इसको आगे इक्वेशन को डिनोट कर सकते हैं कि जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये वापस डिग्रेडेशन हो सकता है इसका, और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखो ये कंडीशन क्या हो गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। इसके लिए हम लोग रेट कांस्टेंट लिखेंगे और इसके लिए भी अपन रेट कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट लिखने के लिए सबसे पहले जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए मैंने लिख दिया K1, और सेकंड मैंने क्या कर दिया? K-1। वापिस तरफ जा रहा है तो K-1, ये मेरा नोटेशन है। और आगे की तरफ जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए बोल रहा हूँ K2 रख दिए, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे वन सेट ऑफ रिएक्शन को पकड़ के उसका रेट लॉ लिखने के लिए, है ना। अभी अभी हम लोग ने रेट लॉ पढ़ना सीखा है ना, रेट लॉ लिखना सीखा है। तो हम लोग एक रिएक्शन को मैं अलग कर रहा हूँ और इससे मैं रेट लॉ बनाने की कोशिश करूंगा, और आपको अभी जो ग्राफ बताया है उसके कंडीशंस को ध्यान पे रखना ही है, ठीक
ये के वन हुआ और के माइनस वन। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मैं सबसे पहले डिनोट करवाऊंगा किसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस। तो अगर मैं इस रिएक्शन को लिया तो मैं सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोपोर्शनल होगा पहले उसका रेट कांस्टेंट, देखो प्रोपोर्शनल साइन था याद है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। उस कंडीशन में मैंने ए लिया था, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो रेट कांस्टेंट रेडी हो जाएगा। तो फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो के वन ये हुआ, और इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, लिखूंगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रेट लॉ लिखने का तरीका, देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्लस सेकेंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग इक्वेशन वन मान लो, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस है ना, ब्रेकडाउन, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस के समय मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ईएस के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला रिएक्शन देखो, ईएस बना है ना, ईएस जा करके के माइनस वन एज ए रेट कांस्टेंट है और ई और एस में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरे लिए रिएक्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे इसको बड़ा ही ध्यान से अपने को रखना पड़ेगा कि रेट लॉ अपने को लिखना है। तो रिएक्टेंट मेरे लिए क्या क्या होंगे, ई एस ही होगा क्योंकि ई एस जा करके आगे इधर बढ़ रहा है, तो रिएक्टेंट इस वाले रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ई प्लस पी है और इधर की तरफ बढ़ेगा, इसमें भी मेरे लिए ई एस हो जाएगा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट सेम होना है, तो डिफरेंस किस में होना है, वो रेट कॉन्स्टेंट पे हो जाएगा। तो रेट ऑफ ब्रेक डाउन करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ई एस के लिए पहले मैं इस रिएक्शन को पकड़ रहा हूँ और मैं सबसे पहले इसका रेट कांस्टेंट लिया जो पीछे की तरफ जा रहा है के माइनस वन है ना, इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इसमें ही फिलहाल यहाँ पे ई एस है प्लस, क्योंकि ये आगे भी तो बढ़ा रहा है ना। तो दूसरा क्या होगा के टू, और दूसरा क्या आगे रिएक्टेंट कौन से होंगे ई। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए यहाँ पे रेडी है, तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर टू लिख देना। लेकिन अगर मैं फाइनल वेलोसिटी का बात करूंगा तो या फाइनल इनिशियल वेलोसिटी की बात क्या रखूंगा, तो मेरे लिए जो इनिशियल वेलोसिटी डिटरमाइन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगा, ये वाला रिएक्शन कि भाई प्रोडक्ट कितना बना ना, प्रोडक्ट कितना बना, वो वाला रिएक्शन मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जब तक कि मैं जान जाऊँगा कि मेरे पास प्रोडक्ट कितना बना, तो मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि मेरा रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं चेंज इन कंसंट्रेशन को निकाल सकता हूँ। तो मैं फाइनल वी जीरो कैसे निकाल सकता हूँ, इस रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, के टू ई एस है ना, इसको आप लोग लिख लेना इक्वेशन नंबर थ्री। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं है ना, एक का करके और बता देता हूँ, देखो एक मैं करके बता देता हूँ क्योंकि बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी रहेंगे तो उन लोगों को भी ध्यान में रख लेते हैं है ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस उस रेट लॉ के बारे में लिखा बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कचरा हो जाएगा चल जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईएस करने की कोशिश करूंगा तो कैसे होगा, तो मैं रेट लॉ निकाला प्रोपोर्शनल किसके किसके करूंगा, रिएक्टेंट के, दोनों ही रिएक्टेंट है ई और एस, दोनों ही रिएक्टेंट है ना, प्रोपोर्शनल क्या हुआ ई और एस हुआ,
अगर मैं इस प्रपोर्शनल साइन को हटा दूंगा तो बनने की तरफ कौन सा है, के वन, तो के वन को मैं यहाँ पे इस प्रपोर्शनल साइन की जगह मैंने लिख दिया और ये वाला रिएक्शन रेट लिखा गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू और ये इक्वेशन नंबर थ्री। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को अच्छे से ध्यान पे रख लेना, है ना। अब देखो, हम इक्वेशन वन में कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन वन के लिए मैं थोड़ा सा इस पेज को इंक्रीज कर लेता हूँ। देखो एंजाइम कैसा होगा, हमने क्या देखा, देखो कोई भी रिएक्शन अगर चालू हो चुका है ना, तो वो एंजाइम इस कंटेनर में रिएक्शन चालू हो चुका था, एंजाइम जाकर के सब्सट्रेट पे जा जाकर के बाइंड हो रहे थे, है ना। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जिससे सब्सट्रेट पे जाकर के बाइंड नहीं हुआ होगा, ये करके बाइंड हो रहे हैं, है ना। अगर मैं टोटल एंजाइम का कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा ईटी, वो कैसे निकलेगा, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। एंजाइम टोटल निकालने की कोशिश करूंगा तो वो एंजाइम सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, कि भाई कुछ सब्सट्रेट आकर के इस एंजाइम से जुड़ रहे होंगे और कुछ एंजाइम फ्री फॉर्म में होंगे जिसे सब्सट्रेट नहीं जुड़ा हुआ है। तो एंजाइम टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, है ना, एंजाइम एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स प्लस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री बाउंड एंजाइम, इससे क्या निकल जाएगा अपने पास, एंजाइम टोटल। ये मेरे लिए फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही अगर आप लोग करेंगे तो आपको माइकलिस क्विंटन इक्वेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर अब देखो मैं इस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स को सब्सटीट्यूट करना चाह रहा हूँ, तो सब्सटीट्यूट करने के लिए मैं इस वाले थर्ड इक्वेशन फोर से मैं फ्री बाउंड एंजाइम निकाल दूंगा करूंगा। अगर इसकी इस इक्वेशन के हिसाब से फ्री बाउंड एंजाइम बराबर कितना होगा, अगर मैं इसको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा तो ये टी, ये जो ई एस है इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम टोटल माइनस ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एंजाइम। और ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक इक्वेशन 5 है। अब देखो मेरे पास क्या वैल्यू निकल गया, क्या वैल्यू निकला, ई की वैल्यू निकल गया। और इस इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 में मैं अगर रखूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस चेंज हो जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को डालूंगा तो बराबर के वन। ठीक है, और एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कंसंट्रेशन के ब्रैकेट आएंगे। ई के देखो, इस ई के जगह मैं इस इक्वेशन को डाल रहा हूँ, इस ई के जगह ये जो ई है इसको मैं इस इक्वेशन इस वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई टी माइनस ई एस। मैंने क्या किया, इस एंजाइम का टोटल वैल्यू को इस एंजाइम में डाल दिया। अब बच्चे मेरे पास क्या, सब्सट्रेट का तो ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वाला क्या था आपका, इक्वेशन 2 था, है ना। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 को अभी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कैसे, क्योंकि अगर मान के चलो एक कंडीशन है जिसको अपन लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, है ना।
स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जितना बन रहा है उतना टूट रहा है ना, तो जितना बन रहा है और उतना वो टूट रहा है, तो रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ब्रेकडाउन। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट, STATY, इस स्टेट में इक्वालिटी की पोजीशन रहेगी हमारे पास। तो इक्वालिटी की पोजीशन रहने की वजह से अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हमारे पास रेडी होने वाले हैं, तो उसके लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े बड़े इक्वेशन बनने वाले हैं, यहाँ से ही अब डेरिवेशन का मेन खेल चालू हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमने कैसे निकाला, ये वाला निकाला, ये जो निकाला, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन की जगह रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर रेट ऑफ ब्रेकडाउन है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर की जगह मैं लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ K1, है ना, और इससे मैं क्या करूँगा, ET का सब्सट्रेट, ET कंसर्न, वही सेम इक्वेशन को मैं लिखते जा रहा हूँ क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन यहीं से निकला। ठीक है, TS, और इस पूरे के पूरा का मल्टीप्लिकेशन है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन मैंने ऐसा लिख दिया, अब मैं इक्वल करूंगा इसको रेट ऑफ ब्रेकडाउन। तो रेट ऑफ ब्रेकडाउन देखो इक्वेशन 2 से लाऊंगा मैं, इक्वेशन 2 हमने निकाला है रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ TS। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ TS निकालने के लिए मैंने क्या किया था, वो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखूंगा, तो K-1 इंटू TS, ये कहाँ से लाया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 से, प्लस K2 इंटू TS। ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं कि भाई इस इक्वेशन को फिलहाल अभी ऐसी का ऐसा ही रखते हैं, K1 ET माइनस कंसंट्रेशन ऑफ TS, है ना, होल मल्टीप्लीकेशन कंसंट्रेशन ऑफ S बराबर, अगर मैं इसमें से ये कंसंट्रेशन ऑफ ES को कॉमन निकाल दूंगा तो बचेगा क्या क्या अंदर, इस चीज को देखना है ना। मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद, कॉमन निकालने के बाद मेरे पास क्या क्या बचा, K-1, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बन जाएगा, प्लस K2। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। वाले इक्वेशन में हमने क्या, एस और K1 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो K1 ETS ऐसा आया, और ES पर बाकी क्वेश्चन को मैंने सेव कर सेम टू सेम लिख दिया, मैंने ब्रैकेट के अंदर सब मल्टीप्लिकेशन को कर दिया है। उसके बाद क्या होगा कि मैं ऐड करूंगा इक्वेशन 8 में K1 ES इंटू S, तो K1 ES इंटू S मैं ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो K1 ET इंटू S माइनस K1 S इंटू S। अब देखो मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ K1 इंटू ES इंटू S इक्वल टू TS K-1 प्लस K2, है ना,
इस पूरे का होल है ना, एक चीज को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लस वन पी एस इंटू एस। ये मैं आगे और पीछे के वन पी के वन पी एस इंटू एस को ऐड कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप देख सकते हो ये वाला जो टर्म और ये वाला टर्म है वो कैंसल हो गया। कैंसल होने की वजह से अब जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कैंसल होने के बाद ये इक्वेशन कैसा रहेगा, तो इसको अपन देखने के लिए तो पेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैंसल माइनस वन प्लस ए टू प्लस ए1 पी एस इंटू एस, ए1 इंटू पी एस इंटू एस। ये जो सॉल्व करने के बाद हमको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ी। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, आगे हम लोग दोनों आगे पीछे है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग डिवाइड करेंगे के वन से। तो के वन से मैं इस पूरे इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, क्या बनेगा देखो। तो यहाँ पे के वन अलग होगा, इस चीज अपने को ध्यान पर रखना है, यहाँ पे अलग होगा। के वन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो के वन से डिवाइड होने के बाद ये के वन कट जाएगा है ना। ठीक है, और ये के वन और यहाँ पे भी के वन कट जाएगा। इस कटने के बाद हम लोग को क्या इक्वेशन मिलता है, इसको ध्यान देने की बात। के वन को कटने के बाद अपने को क्या मिला, वो बोला पीटी इंटू एस इक्वल टू ई एस है ना। ये के वन के माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन प्लस ई एस इंटू अब मैं क्या करूंगा, ये और ई एस को कॉमन निकाल लूंगा, ई एस और ई एस को कॉमन निकालिए। चलिए मैं क्या करूंगा, देखो ईएस में अगर कॉमन तो क्या होगा, ईएस पूरे का होल देखा जाए तो के माइनस वन ए टू अपॉन के प्लस प्लस
और इधर पे बच जाएगा अपने पास टी इंटू एस, ठीक है। तो देखते हैं अपन, अगर मैं आगे जाऊंगा तो इस पूरे टर्म को बोला जाता है, एक टर्म से लिखा जाएगा जिसको अपन बोलेंगे के एम, ठीक है। तो के एम यहाँ पे मैं के एम इंक्लूड कर दूंगा और ई एस की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ई एस कंसंट्रेशन होल के एम प्लस तो के एम क्या हुआ, के माइनस वन प्लस के टू अपॉन के वन, इसको अपन क्या बोलेंगे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, है ना। और यहाँ पे एज इट इज ई टी इंटू एस, ET into S, आप देखो ES निकालूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ES इक्वल टू ये पूरा जो टर्म है के नीचे चले जाएगा, है ना। तो ET into S अपॉन AM प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब केवल एक चीज जानने की जरूरत है कि जब एंजाइम पूरी तरह ठीक है, अब एक चीज एंजाइम पूरी तरह टोटल कैसे निकाले हम लोग, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस फ्री बाउंड एंजाइम। देखो ये मेरा एक इक्वेशन निकला, नंबर मैं देना चाहूंगा तो मेरे को ध्यान नहीं है, फिलहाल मैं इक्वेशन ए लिख देता हूँ इसको, है ना। तो इक्वेशन ए को मैं पूरी तरह इक्वेशन शुरुआत वाली इक्वेशन इक्वेशन में रखने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं ई एस की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो ई एस की वैल्यू वहां अगर वहां पे मैंने डालने की कोशिश किया तो आएगा वी जीरो बराबर के टू ई टी इंटू एस, है ना, अपॉन के एम प्लस एस। देखो के टू ई टी जो है ये पूरा मिला करके ओरिजिनल में है क्या, वो असली में वी मैक्स है। वी मैक्स मतलब पूरे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुके हैं ना, पूरे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हो चुके हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके लिए इक्वेशन कांस्टेंट क्या था K2, और इसके लिए जो रेट लॉ लिखने की कोशिश, तो कुछ ऐसा ही लिख पाऊंगा वी मैक्स के लिए। तो ये जो क्या हो गया वी मैक्स इंटू एस फॉर ए एम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो जो ये इक्वेशन हमारे पास आया है अपन लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो माइकलिस मेंटन हमने पूरी तरह सॉल्व कर लिया है। एक समराइज करने की कोशिश करूंगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर इसी बात है जब शुरुआत में था तो वो प्रोपोर्शनल था, वो इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। और ये पूरा चीजें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये पूरा डेरिवेशन मैंने एक एक करके पॉइंट आउट कर लिया है। और ये जो हमारा है ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, और माइकलिस मेंटन इक्वेशन ये हमारे पास डिराइव हो चुका है ना। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसको अब बाद में या नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।